2010 2010 मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इस क्वेश्चन पेपर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सेक्शन वन और दूसरी है सेक्शन टू। तो आप लोग सेक्शन वन को अच्छे से फॉलो करें, अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं सेक्शन वन में क्या क्या टाइपिंग किया हूँ, उसका मीनिंग और आंसर में क्या बोल रहा हूँ। तो इधर नंबर वन देखे मैं टाइपिंग क्या हो, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे नीचे अर्थ दाओ। तो इधर ए नंबर देखे हम टाइपिंग क्या है, मेंटल मैकेनिज्म, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे मानसिक प्रक्रिया। उसके बाद बी नंबर देखे हम टाइपिंग किया है प्रिवेंटिव साइकेट्री, प्रतिरोधमूलक मनोचिकित्सा। उसके बाद सी नंबर देखे हम टाइपिंग किया है डिल्यूशन, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे भ्रम। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग का है इचोप्रासिया, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है इकोपैक्सिया। उसके बाद ई नंबर देखिए हम टाइपिंग का है इकोलालिया, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है इकोलालिया। उसके बाद हम चला जाएंगे टू नंबर पर, तो इधर हम टाइपिंग के फिल अप द ब्लैंक्स, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है शून्यस्थान पूर्ण करुन। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है ग्रैंड डिवर डिल्यूशंस इज नोन एज डैश, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है ग्रैंड डिवर डिल्यूशंस नामे परिचित डैश। तो इधर आंसर होगा डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड डिवर, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड डिवर। आप लोगों के अच्छे के लिए जो आंसर का स्पेलिंग है वो मैं बता दूंगा, डी ई एल यू एस आई ओ एन। आप लोग ध्यान से सुनिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा, डी ई एल यू एस आई ओ एन, डी ई एल यू एस आई ओ एन, ओ एफ ऑफ ग्रैंड जी आर ए एन डी ई यू आर, जी आर ए एन डी ई यू आर। उसके बाद हम चला जाएंगे बी नंबर पर, तो इधर हम टाइपिंग क्या है फॉल्स परसेप्शंस इज नोन एज डैश, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है मिथ्या उपलब्धि डैश नामे परिचित। तो इधर आंसर होगा हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन एच ए एल एल यू सी आई एन ए टी आई एन, एच ए एल एल यू सी आई एन ए टी आई ओ एन, एच ए एल एल यू सी आई एन ए टी आई ओ एन। उसके बाद सी नंबर देखे हम टाइपिंग क्या है हिस्टीरिया इज मोर कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर इन, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे हिस्टेरिया होलो डैशर मध्य आरो साधारण स्नायुक व्याधि। तो इधर आंसर होगा कॉन्वर्सन डिसऑर्डर, कॉन्वर्सन डिसऑर्डर, जिसका स्पेलिंग होगा सी ओ एन वी ई आर एस आई ओ एन, कॉन्वर्सन सी ओ एन वी ई आर एस आई ओ एन, कॉन्वर्सन डिसऑर्डर डी आई एस ओ आर डी आर, डी आई एस ओ आर डी आर, कॉन्वर्सेंस डिसऑर्डर। उसके बाद हम डी नंबर देखे टाइपिंग क्या है रिपीटेड अटैक ऑफ सीजर्स इज नोन एज, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे बार बार खिचुनीर आक्रमण डैश नामे परिचित। तो इधर आंसर होगा स्टेटस इपीलेप्टस, स्टेटस इपीलेप्टस, जिसका स्पेलिंग होगा एस टी ए टी यू एस, स्टेटस इपीलेप्टस ई पी आई एल ई पी टी यू एस, इपीलेप्टस। उसके बाद ई नंबर देखे हम टाइपिंग किया है द फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड एज डैश, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे अंधकारे भय के बोला है डैश। तो इधर आंसर होगा निक्टोफोबिया, 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 एन वाई सी टी ओ निक्टो पी एच ओ बी आई, निक्टोफोबिया। उसके बाद हम चला जाएंगे थ्री नंबर पर, तो इधर हम टाइपिंग क्या है राइट शॉर्ट नोट्स वन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जे कोनो तीन टीते छोटे नोट लिखन। तो इधर ये नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे मानसिक नर्सिंग प्रवणता। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है इंटरव्यूइंग टेक्निक्स इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मानसिक अवस्था परीक्षा साक्षात्कार ग्रहण कौशल।
उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, इंडियन लॉन सी एक्ट ऑफ 1912। इसका बेंगोली मीनिंग हो रहे 1912 साल इंडियन लुनासी एक्ट। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे साइकेट्रिक नर्सिंग एर मूल नीति। उसके बाद हम चला जाएंगे फोर नंबर पे, तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, एक्सप्लेन द केसेस एंड फैक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे मानसिक रोगीर कारण ओ कारुक व्याख्या करो। उसके बाद हम चला जाएंगे बी नंबर पे, तो इधर हम टाइपिंग क्या है, राइट वेरीफ्लाई द रोल ऑफ प्रिवेंटिव साइकेट्रिक इन एडोलेसेंट एज ग्रुप, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे बयसंधिकालीन बयस गोष्ठीते प्रतिरोधमूलक मानसिक रोगेर भूमिका संक्षेपे लिखो। उसके बाद हम चला जाएंगे फाइव नंबर पे, तो इधर हम टाइपिंग क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे मध्य पार्थक्य लिखो। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, नियोलिज्म एंड नैक्रिज्म, नियोलिज्म एवं नार्सिसिज्म, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे नियोलोजियम एवं नार्सिसिज्म। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे साइकोसिस एवं न्यूरोसिस। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, साइकोथेरापी एंड बिहेवियरल थेरापी, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे साइकोथेरापी एवं आचरणगत थेरापी। उसके बाद हम चला जाएंगे सेक्शन टू पर, तो इधर हम सिक्स नंबर देखे टाइपिंग क्या है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे निम्नलिखित विवृतिगुली सत्य ना मिथ्या लिखन। और इधर ए नंबर देखे हम टाइपिंग क्या है, न्यूरोटिक पेशेंट शोज एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शन टू एनी स्ट्रेस, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे न्यूरोटिक रोगीरा जेकोनो चापेर जन्य अत्यधिक मानसिक प्रतिक्रिया देखाई। तो इधर आंसर होगा ट्रू, सही है। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, इकोलेलिया इज रिपेटेशन ऑफ एक्शन, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे इकोलेलिया होलो कर्मेर पुनरावृत्ति, तो ये होगा फॉल्स यानी कि गलत। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, सिजोफर्निया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे सिजोफर्निया एक स्नायु व्याधि, तो ये होगा फॉल्स। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, फॉरगेटफुलनेस इज ए प्रीडोमिनेंट सिम्टम इन डिमेंटिया, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे भूले जावा डिमेंशियार एक प्रधान लक्षण, तो ये होगा ट्रू यानी कि सही है। उसके बाद ए नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, मेंटल इलनेस इज केसेस बाय सुपर नेचुरल पावर्स, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे अति प्राकृतिक शक्तिर कारण मानसिक रोग है, तो इधर आंसर होगा फॉल्स भूल यानी कि गलत। उसके बाद हम चला जाएंगे सेवन नंबर पे, तो इधर हम टाइपिंग क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहा है नीचे जेकोनो तीन तीते छोटो नोट लिखन। तो इधर ए नंबर देखे हम टाइपिंग किया है, डिस्ट्रैक्टिव पेशेंट एंड मैनेजमेंट, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहा है ध्वंसात्मक रोगी एवं व्यवस्थापना। उसके बाद बी नंबर देखे हम टाइपिंग के रोल ऑफ नर्स इन साइको फार्माकोलॉजी, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे साइको फार्माकोलॉजी ते नर्स देर भूमिका। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग के फोबिक डिसऑर्डर, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे मादकेर, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे फोबिक व्याधि। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग है, ड्रग एबस एंड इट्स मैनेजमेंट्स, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे मादकेर अपव्यवहार एवं एर व्यवस्थापना। उसके बाद एट नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, ए नंबर में हॉट इज सिजोफर्निया, सिजोफर्निया की। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे क्लिनिकल फोकस लिखोन। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफर्निया, जिस उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफर्निक पेशेंट, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहे सिजोफर्निक रोगीर चिकित्सा और नर्सिंग व्यवस्थापना व्याख्या करो। उसके बाद हम नाइन नंबर पे, उसके बाद हम चला जाएंगे नाइन नंबर में, नाइन नंबर में ए देकर हम टाइपिंग क्या है, व्हाट इज
साइकोसोशल थेरेपी, मनोसामाजिक थेरेपी की। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है, एक्सप्लेन अबाउट इंडिविजुअल थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी, जिसका मीनिंग हो रहे पृथक, जिसका बेंगोली मीनिंग हो रहा है पृथक थेरेपी एवं ग्रुप थेरेपी सम्पर्क की व्याख्या करूँ।